हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम श्यामा गार्डन की सैर न करके एक सुंदर सा गेहूं का खेत है, वहाँ की सैर करेंगे। जो कि पंजाब में हम जा रहे थे तो बीच में मानसा निकल चुका है, वहाँ एक ढाबा दिख गया, चाय पानी के लिए रुके, तो बच्चे चाय पानी कर रहे हैं और मैं इधर खेत में सैर करने आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सूट किया जाए, तो वही आपको आज खेत की सैर कराऊंगी, जो कि गेहूं भी है और साथ में सब्जियां भी लगी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। अगर आपको भी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये देखिए हम जा रहे हैं अमृतसर और रास्ते में रुके हैं और वो वहाँ पर रुके हैं हम चाय पानी नाश्ता लेने के लिए। और ये देखो गेहूं का खेत है, पूरा हरियाली 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 चारों तरफ, कितना अच्छा नज़ारा है ना। और ये देखो फ्रेंड्स, कुछ गोभी इन्होंने ना निकाल चुके हैं ये, और छोटी सी एक क्यारी बना रखी है, मतलब अपने ना घर के लायक इन्होंने अपना सब्जी का जुगाड़ कर रखा है। तो ये देखो गोभी लगी हुई है, ये पूरी लाइन से गोभी लगी हुई है। और फिर ये एक क्यारी में लहसुन लगा रखा है, यहाँ पे पूरा हरा लहसुन लगा रखा है, देखो कितना है ना, सही है, अपना घर का काम चल जाए। उसके बाद एक मतलब डौल बोलते हैं हम तो, मतलब किनारी जैसे उठा के बनाते हैं, उस पर मूली लगा रखी है, क्योंकि मूली पे वैसे भी मिट्टी चढ़ाते हैं ना, तो मिट्टी चढ़ा के इधर तो क्यारियाँ बन गई और इधर मिट्टी चढ़ा दी और उस पर अपनी इन्होंने लगा ली है मूली, और बीच बीच में सरसों भी दिख रही है मुझे। और फिर उसके बाद है मेथी, तो उधर वाली मेथी तो इन्होंने देखो काट ली है, और इधर वाली खड़ी है मेथी, अभी इधर वाली भी काट ली है। तो ये मेथी क्या है ना, दोबारा भी हो जाती है, तीबारा भी, तीन बार तो आराम से हो जाती है, क्योंकि ये तो हम भी लगाते हैं घर में वाट्स वगैरह में। और वो देखो मूली, कहाँ से दिखाऊँ, वो रही मूली, ये वो दिख रही, देखो है ना बाहर निकली हुई काफ़ी काफ़ी, और ये रही मूली, देखो कितनी कितनी बाहर निकल रही है मट्टी से, है ना मूली है। उसके बाद ये क्यारी में है पालक, और उससे आगे वाली में है सरसों, और उससे मतलब ये नीचे नीचे सारा है हरा धनिया, हरे धनिया को भी इन्होंने एक बार काट लिया, ये देखो नहीं ये दोबारा बोया है, साइड से कटा हुआ तो नहीं लग रहा कि पता नहीं काट रखा है। और ये साइड से वो है सोया होता है, सोया पालक बनाते हैं ना, और ये किनारी किनारी पे भी देखो सरसों ये काट ली होगी, उसके बाद इन्होंने उसमें मतलब बीज बनने के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसे करते हैं गांव में लोग ना, खेतों में ही एक क्यारी को बना लेते हैं और अपना उसमें खाने लायक घर की सब्जियां हो जाती हैं इनकी, है ना। तो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर खेत में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा व्लॉग था, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। और ये यहाँ पर भी है देखो, ये सोया ही है, मैंने इसको देखा सुन के, कौन कौन जानता है सोया बताना, सोया पालक बनाते थे हमारे, सोया की दाल भी बनाते हैं, तो ये सोया ही है। और यहाँ पे और लगा रखी है इन्होंने ना सरसों, किनारे किनारे पे अभी होएगी सरसों, ये देखो और भी सरसों लगा रखी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने थोड़ी सी खेत की सैर कर ली, बच्चे चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। हाईवे है यहाँ पर, सारे रुके हुए हैं यहाँ पर, पंजाब में ना ज़्यादा खेती बाड़ी का काम है, ट्रकों का काम है, तो यहाँ ज़्यादा इसी टाइप के ढाबे दिखे हमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी अच्छा लगा होगा ये खेत का नज़ारा, हम शहरों वालों को ना कम ही देखने मिलता है ऐसा नज़ारा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो गांव के हैं उनको तो खैर वो तो अपने खेत होंगे तो जाते भी होंगे, घूमते भी होंगे, मगर हम जो शहरों में रहते हैं ना, हमें लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा खेत में घूमना, देखना क्या क्या फसल है। मैं तो बच्चों को भी दिखाती हूँ, मेरे छोटे छोटे हैं ना, तो ये देखो ये गोभी लग रही है देखो, तो उनको भी बड़ा मज़ा आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ये छोटा सा, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा। चलते हैं बच्चा पार्टी के पास।